जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में बिना ज्योति के पूजा अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म में दीपक जलाने के ढेरों फायदे बताए गए हैं। नवरात्रि में दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और कई लोग मनोकामना पूर्ति के लिए भी अखंड दीपक जलाते हैं, तो वहीं अखंड दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में अखंड ज्योति बुझ जाती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो या हुआ हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान अखंड दीपक बुझ जाए तो क्या करें ताकि आप पाप के भागी ना बने। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान दिया या दीपक का बुझना आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो ये देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो मनोकामना पूर्ति में बाधा आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार दीपक का बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक बुझने की कई वजह हो सकती हैं। कई बार हवा के कारण या दीपक की बत्ती में कोई समस्या होने पर भी दीपक बुझ सकता है। यदि ऐसा हो तो हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगें और फिर से दीपक जला लें। यदि किसी संकल्प पूर्ति के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई हो तो उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अखंड ज्योति के बुझने से मनोकामना पूर्ति में संदेह हो सकता है। मान्यता है कि ऐसी घटना परिवार पर कोई संकट ला सकती है, लिहाजा बेहतर है अखंड ज्योति प्रज्वलित करते समय उसके आसपास कांच की घेरन रख दें और ज्यादा मात्रा में तेल घी रखें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी दीपक भी जला दें ताकि उससे फिर अखंड ज्योति जलाई जा सके। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी कारण ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को न लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले से ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बांधकर दीपक के बीचों बीच रख दें। इससे कि दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।